खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। छपरा मॉब लिंचिंग केस में 7 लोग गिरफ्तार। बरियारपुर इलाके में 3 व्यक्तियों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में परिजनों के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। छपरा में पीड़ित परिजनों का आरोप, मृतक नौशाद आलम को जय श्रीराम बोलने को कहा गया था। परिवार का कहना है कि जय श्रीराम बोलने के लिए उन्हें पहले भी धमकाया गया था। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने छपरा हत्या केस में जांच की मांग की है। राबड़ी ने कहा है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे सरकार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी भीड़ हिंसा की घटना सामने आई है। आरोप है कि मुस्लिम युवक को जबरदस्ती जय श्रीराम कहने को कहा गया। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने एक शख्स को पीटा। जिस शख्स को पीटा गया उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। बुलंदशहर के खुर्जा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। मोबाइल लूटकर भाग रहा था बदमाश। पश्चिमी चंपारण के बगहा में कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद फखरुद्दीन की गोली मारकर हत्या। अपराधियों की तलाश जारी। बिहार के भोजपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी जंग। अब तक 3 की हत्या, दर्जनों घायल। मिल्की गांव की घटना। गुरुग्राम में विदेशी महिला का गैंगरेप। गैंगरेप के आरोप में ऑटो रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के बैतूल में अस्पताल की लापरवाही से महिला की जान पर आफत। ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़े का टुकड़ा छोड़ा। जबलपुर में शराब के नशे में धुत पिता ने 1.5 साल की बेटी की हत्या की। रोने पर पत्थर पर पटक कर की हत्या, लाश नाले में छिपाई। जिले के नरेला में बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या की। पिता के शराब के नशे और मां से मारपीट को लेकर परेशान था युवक। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।